तो गाइस जानवी कपूर की अगली फिल्म गुंजन सक्सेना का फर्स्ट लुक रिलीज हुआ। करण जौहर ने अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट से ये पोस्टर्स रिलीज किए एंड द इंटरनेट एक्सप्लोडेड। और जहां पर सबके रिप्लाईज और कमेंट्स आ रहे थे, वहीं पर हमारी नजर पड़ी राइटर वरुण ग्रोवर के ट्वीट पर। जी, उन्होंने लिखा, सो कूल टू सी द फुल राइटिंग टीम बीइंग क्रेडिटेड ऑन द फर्स्ट लुक पोस्टर इटसेल्फ एंड फॉर दोज हु नो दिस इंडस्ट्री इट इज अ बिग डील एंड दिस इज इंडीड अ बिग स्टेटमेंट। दिस इज इंडीड अ बिग स्टेटमेंट एंड इट इज अ बिग डील एंड वी विल गेट टू व्हाई इट इज अ बिग डील। लेकिन उससे पहले मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि डू राइटर्स इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री गेट देयर ड्यू क्रेडिट आफ्टर द सक्सेस ऑफ अ फिल्म और नॉट? डू राइट इन यूजिंग द हैशटैग बिलो एंड लेट अस नो व्हाट यू गाइस थिंक। राइट, ऑल्सो मनीष, अगर हम बात करें इंडियन राइटर्स की या फिल्म्स की, फिल्म सक्सेस हो जाती है, बॉक्स ऑफिस हिट हो जाती है, वी नो द डायरेक्टर्स, वी नो द प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, सिंगर्स, लेकिन जब बात आती है राइटर्स की, किसने लिखा है, वेरी फ्यू राइटर्स है जिनको वो फेम मिला है। नॉट एवरी राइटर हैज बीन मेंशनड और देयर इज अ रिकॉल वैल्यू फॉर इट एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम। या यू नो आई अग्री विद यू सागरिका, बट यू नो आई आल्सो डू फील लाइक देयर आर अ फ्यू राइटर्स हु हैव गॉटन देयर ड्यू क्रेडिट। इट्स लाइक जूही चतुर्वेदी, सुचित सरकार हैड एक्चुअली सेड कि पीकू वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ जूही चतुर्वेदी, देन वरुण धवन हैड गिवन हर क्रेडिट फॉर अक्टूबर इन एन इंटरव्यू। फिर उनके अलावा देयर इज हेमंत राव ऑफ अंधाधुन हु गॉट द क्रेडिट फॉर द फिल्म that he did, Nitesh Tiwari and Shreyas Jain for Bareilly Ki Barfi, and aise hi kafi writers hai jinko credit mila hai. Jee. I'm not going to take away from the fact that they are very talented and the probably the most important people when it comes to making a film. But agar hum baat poster ki kare Sagarika, I just feel like poster pe पूरे राइटिंग टीम का नाम डालना इज ग्रेट इफ दैट इज पॉसिबल, बट इज इट अ नेसेसिटी? इज इट समथिंग दैट इज वर्थ फाइटिंग फॉर इज माय क्वेश्चन। बट यू नो मनीष, राइटर्स की अगर बात करें, दे आर एनीवे बिहाइंड द सीन्स, दे आर बिहाइंड द कैमरा एंड ऑफ कोर्स स्क्रीन प्ले एंड डायरेक्टर टेक्स इट ओवर फ्रॉम देम। तो अगर उनके बारे में अवेयरनेस अगर लोगों के पास होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ या तो पोस्टर से होगी या तो फिल्म के ट्रेलर के बाद, बिकॉज फिल्म के ट्रेलर में टू बी वेरी ऑनेस्ट लास्ट में जो क्रेडिट्स दिया जाता है इट्स नेम सेक, industry people know them, but normal जनता जो audience है उनको नहीं, उनको वो नहीं वो उतना पढ़ते कि who exactly has written literally। तो अगर आप bold letters में नहीं लिखोगे poster में, शायद आपको कभी पता नहीं चलेगा। And जब से audience ने, हम कह रहे हैं content is king और content के बिना film नहीं, content writers लिखते हैं and I think it's high time उनका भी नाम bold letters में लिखा जाए ताकि audience को recall value हो and I think they deserve that fame exactly like it happens in Hollywood। Hollywood में अगर आप ट्रेलर्स देखो तो लिटरली दे फ्लैश इट लाइक फ्रॉम द राइटर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर फिल्म, यू नो, बिफोर इवन टॉकिंग अबाउट द डायरेक्टर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर फिल्म। सो आई थिंक वो कल्चर अगर आए ना, देयर इज गोना बी अ गुड बूस्ट फॉर ऑल द स्क्रिप्ट राइटर्स इन द इंडस्ट्री, इवन बडिंग हु आर एन एस्पायरिंग राइटर्स एंड हु वांट टू कम अप एंड मेक अ नेम फॉर देमसेल्व्स। या आई एग्री, यू नो आई कांट टेक अवे फ्रॉम द फैक्ट दैट द राइटर्स लाइक यू सेड आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल व्हेन इट कम्स टू मेकिंग अ फिल्म। अगर स्क्रिप्ट नहीं है तो फिल्म ही नहीं है, यू नो, सो वी कांट इवन गो अहेड विदाउट बेसिक एस्थेटिक्स ऑफ राइटर्स। एंड वी हैव हैड सम ग्रेट राइटर्स इन दिस इंडस्ट्री, like I have mentioned before, you know, who made some great films which have been content driven and not star driven. And I recognize that. If you ask me, I would personally feel like writers ko apne pay packets ke liye ladna chahiye, because I do know that within the industry writers aren't getting paid well and that is a completely unfair situation that they're suffering. So I think they have got bigger problems to deal with than just unke naam poster pe dalna. True. Yaar, Varun Grover ne clearly kaha it's really cool to see the names of the writers on the poster. He's not saying it ki unhone ye maang nahi ki hai, but it's always really cool to see this because Hollywood ki agar hum compare kare to wahan par writers are the highest paid people in the industry, then comes the actor or the director. Also agar mujhe ye bhi lagta hai ki agar aap awaaz na uthao, agar aap in cheezon ko address na karo na, ye kahin na kahin kho jata hai. Jaise hua tha female centric films ke liye, logon ne jab kehna shuru kiya ki female centric films banaiye, female actresses bhi audience ko theaters tak kheench kar le aa sakti hai, uske baad content banna shuru hua, and then it became a hit and people are absolutely loving it. And the trends are changing, times are changing, social media has done this, jahan par awareness is being created about not just actresses, not just writers, but you know the industry as a whole and everyone who is in
involved in the process of filmmaking. The ones who deserve credit should get their credit. And for those of you who are sitting at home and watching, do let us know what you guys think. Once again, I repeat the question to you is, do writers in the Indian film industry get the due credit for the films that they have made after it is a success or not? Write in using the hashtag as you see below.